नमस्ते लताज किचन में मैं लता जैन आपका स्वागत करती हूँ। इडली बहुत ही स्वादिष्ट साउथ इंडियन स्नैक है। इसे आसानी से बनाया जा सकता है और ये कम घी तेल में पककर तैयार होती है। इसे कई तरह से बनाया जा सकता है, जैसे दाल चावल से बनाया जा सकता है या रवे से बनाया जा सकता है। आज मैं आपके सामने बनाने जा रही हूँ रवा इडली। आइए देखते हैं रवा इडली बनाने के लिए किन चीज़ों की आवश्यकता होगी। रवा इडली बनाने के लिए इन चीज़ों की आवश्यकता होगी। एक कप रवा, जिसे सूजी भी कहते हैं, आधा कप फेंटी हुई दही, आधा छोटा चम्मच नमक या स्वादानुसार, दो छोटे चम्मच उड़द की दाल बिना छिलके वाली, आधा छोटा चम्मच सरसों के दाने, एक चुटकी हींग, आधा छोटा चम्मच जीरा, दो हरी मिर्च कटी हुई, 6-7 पत्ती करी पत्ता, एक छोटा चम्मच इनो फ्रूट साल्ट, एक बड़ा चम्मच ऑयल और 3/4 कप पानी। आइए रवा इडली बनाना शुरू करते हैं। अब एक बड़ा बाउल लेंगे। बाउल में सूजी डालेंगे, दही डाल देंगे, नमक डाल देंगे और हरी मिर्च डाल देंगे। अब इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए मिक्स करेंगे। सूजी पानी को एब्जॉर्ब कर लेगी। अब हम इडली के लिए तड़का तैयार करते हैं। अब एक तड़का पैन लेंगे और तड़के पैन को गैस पर गरम करेंगे। पैन में ऑयल डाल देंगे, थोड़ा सा ऑयल हम ग्रीसिंग के लिए बचा लेंगे। इसे हम इडली मोल्ड की ग्रीसिंग करेंगे। ऑयल गरम हो गया है, अब हम इसमें सरसों के दाने डाल देंगे। गैस बंद कर देंगे। अब इसमें हम करी लीव्स डाल देंगे, जीरा डाल देंगे और हींग डाल देंगे। अब इसमें उड़द की दाल डाल देंगे। इसको चलाएंगे। जब उड़द की दाल का कलर लाइट पिंक हो जाएगा तब हम इस तड़के को बैटर में डालेंगे। दाल का कलर लाइट ब्राउन हो गया है, अब हम इसे बैटर में डाल देंगे। तीस मिनट हो चुके हैं, अब हम रवा इडली का बैटर चेक करते हैं। सूजी फूल चुकी है और काफी गाढ़ी हो गई है। हमें इस तरह की कंसिस्टेंसी का बैटर चाहिए, जो ना तो बहुत ज्यादा पतला हो और ना ज्यादा गाढ़ा हो। वैसे तो इडली स्टीम में पकाई जाती है और इसका स्पेशल बर्तन होता है, या कुकर में इडली स्टैंड रखकर पकाई जा सकती है, लेकिन मैं ये इडली माइक्रोवेव में बनाऊंगी। ये माइक्रोवेव का इडली कंटेनर है, इसमें ये मोल्ड है। मोल्ड में हम बैटर भरकर पकाएंगे। सबसे पहले हम इस कंटेनर में आधा कप पानी डालेंगे और इसको 2 मिनट माइक्रोवेव करेंगे। अब हम कंटेनर को माइक्रोवेव में रखेंगे और 2 मिनट के लिए माइक्रोवेव करेंगे।
पानी बॉईल हो चुका है, अब हम इसको निकाल लेंगे। ये इडली का मोल्ड है और मेरे माइक्रोवेव में एक साथ 8 इडली बन सकती हैं, तो मैं इस मोल्ड को पहले ऑयल से ग्रीस कर लूँगी। थोड़ा थोड़ा इन कैविटीज़ में ऑयल लगा देंगे जिससे इडली चिपकेगी नहीं। अब हम इस बैटर में सारा इनो एक साथ नहीं डालेंगे, क्योंकि हमारी एक बार में 8 इडली बनेंगी, तो हम उतना ही बैटर हम एक अलग बर्तन में डालकर उसमें इनो मिलाएंगे। तो इसमें मैं अलग 5 टेबल स्पून बैटर लूँगी। और इसमें इनो डालूंगी, इसमें लगभग 1/3 टीस्पून में इनो डालूंगी। अच्छे से मिक्स करूंगी। अब बैटर को मोल्ड की कैविटी में डालूंगी। एक एक चम्मच हम इसको भी मैं रख दूंगी। और अब इसको मैं 3.5 मिनट माइक्रोवेव कर दूंगी। कंटेनर को माइक्रोवेव में रखेंगे। साढ़े तीन मिनट हम इसको माइक्रोवेव करेंगे। साढ़े तीन मिनट हो चुके हैं, अब हम इडली चेक करेंगे। कंटेनर का ढक्कन खोलते हैं और थोड़ी देर ठंडा होने देते हैं। ठंडा हो गया है, अब हम इसको निकाल लेंगे। ठंडा इसलिए करते हैं वरना इडली आसानी से नहीं निकलेंगी। इडली बहुत ही स्पंजी और सॉफ्ट बनी है। ऐसे ही हम सारी इडली निकाल लेंगे। ऐसे ही और इडली तैयार कर लेंगे। रवा इडली बनकर तैयार है। इडली बहुत ही सॉफ्ट और स्पंजी बनी है और ये बहुत ही कम ऑयल से तैयार हुई है। इसको हम ब्रेकफास्ट में किसी भी चटनी जैसे नारियल की चटनी या टमाटर की चटनी के साथ या सांभर के साथ सर्व कर सकते हैं। इसे बच्चों के लंच बॉक्स में भी पैक करके दे सकते हैं। रवा इडली देखने के लिए आपका धन्यवाद।